प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत में यूरोपीय शक्तियां जो आई, उनमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो चार वो शक्तियां थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इन चारों शक्तियों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से, अर्थात यहां अपनी व्यापारिक कंपनियों को स्थापित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया और इन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक मामलों में अपनी पैठ जमाना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि उल्लेखित है कि 15वीं शताब्दी के अंत तक जब हम बात करें, तुर्कों का जब कुस्तुन दुनिया पर एकाधिकार स्थापित हो गया और यहीं से जो जलमार्गों की एक तरीके से खोज प्रारंभ हुई, तो स्पेन इस दौड़ में सबसे आगे था। जैसा कि कहा जाता है कि वास्को डी गामा, जो कि 1497 में पुर्तगाल से, अब पुर्तगाल का जो शासक था उस शासक से सहायता प्राप्त करके और उसे राजाज्ञा प्राप्त करके नवीन जलमार्गों की खोज करने के लिए निकला और 1498 में वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और कालीकट बंदरगाह पर जब वो पहुंचा तो यहां पर उसका जो स्वागत किया गया, वो यहां के तत्कालीन शासक जमोरिन के द्वारा उसका भव्य रूप से स्वागत किया गया। और यहां वो जिस तरीके के हथियारों का एक पूरा का पूरा जखीरा, पूरा जहाज भर के वो हथियार लेके गया था, इन हथियारों को उसने जमोरिन को प्रदान किया और बदले में जमोरिन ने उसे यहां जो बहुआयात विभिन्न प्रकार के जो मसाले थे जो उत्पादित होते थे, उन मसालों से भरा हुआ पूरा का पूरा जहाज, या ये कहे कि मसालों की पूरी खेप वास्को डी गामा को दी गई। और वास्को डी गामा जब इन मसालों को लेकर के वापस पुर्तगाल गया तो भारत में इन मसालों की, भारत के इन मसालों की जो चर्चा थी, अब पूरे यूरोप में फैलने लगी। और यहीं से हम ये देखें कि अन्य जो शक्तियां भी थी या अन्य जो राज्य थे, वो एक तरीके से औपनिवेशिक दौड़ के अंदर शामिल हो गए। कहा जाता है कि 1498 में जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा जो ये खोज की गई, तो यहां पुर्तगालियों ने धीरे धीरे आना प्रारंभ कर दिया। और यहां उन्होंने ना केवल कालीकट में अपने फैक्ट्री स्थापित की, कारखाने स्थापित किए, बल्कि उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे वो अपने एक तरीके से व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल रहे। और यहां के तत्कालीन शासक जो कि कोचीन जो राज्य था, उसके विरुद्ध उसे हथियारों की जरूरत थी। जैसा कि उल्लेखित है कि वास्को डी गामा ने जमोरिन को वो हथियार उपलब्ध कराए थे। बाद में हम देखते हैं कि यहां पुर्तगालियों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में एक तरीके से अपनी शासन सत्ता स्थापित करने का कार्य किया गया और उसमें वो काफी हद तक सफल रहे। पुर्तगालियों के द्वारा जो शासन सत्ता यहां स्थापित की गई, उनमें अल्मीडा जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहा और उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अल्मीडा के बाद में जो दूसरा जो गवर्नर आया, अल्बुकर्क, जिसके द्वारा 1515 से लेकर 19 तक उसके द्वारा भी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। और न केवल उसने भारत में पुर्तगाली शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं अल्मीडा के द्वारा और अल्बुकर्क के द्वारा भारत में पुर्तगाली एक तरीके से राज्य स्थापित करने का कार्य इन दोनों गवर्नरों के द्वारा किया गया। यद्यपि पुर्तगाली भारत में जो आए थे वो आए थे व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन कालांतर में ये व्यापार से धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। और यहां इन्होंने जहां जहां अपने कारखाने या व्यापार के केंद्र स्थापित किए थे,
उन केंद्रों में अपनी अलग से सेना स्थापित करना शुरू कर दिया, अपनी शासन व्यवस्था अलग से स्थापित करना शुरू कर दिया। इस तरीके से भारत में पुर्तगाली अब जमने लगे। पुर्तगालियों का डचों के साथ भी संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के बाद में जो भारत में दूसरी यूरोपीय जो शक्ति आई, व्यापारी आए, वह है डच, जिन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की, और डचों के द्वारा भी यहाँ पर पुर्तगालियों के आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि 1757 में बेदारा नामक स्थान पर पुर्तगालियों के बीच में, सॉरी, अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ, क्योंकि डचों के बाद में जो दूसरी प्रमुख जो शक्ति यहां पर आई वो थे अंग्रेज। ब्रिटिशर्स जो भारत में आए, जिनके बारे में उल्लेखित है कि 1600 में इन्होंने महारानी एलिजाबेथ से राजाज्ञा प्राप्त की, और राजाज्ञा प्राप्त करने के पश्चात कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक हेक्टर नामक जहाज जो कि हिंदुस्तान की तरफ आया, और यहां आकर के नहीं, उन्होंने तत्कालीन उस समय जो मुगल शासक थे, कहा जाता है कि हेक्टर जहाज का जो कैप्टन था, कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में सम्राट जहांगीर से मिलने का प्रयास किया आगरा के अंदर, लेकिन यहां पर पुर्तगालियों का जो प्रभाव था वो ज्यादा था, इसलिए उसकी बात यहां मुगल शहंशाह के साथ में नहीं बन पाई, या ये कहें कि व्यापार की जो स्वीकृति के लिए उसने एक कोशिश की थी, उस कोशिश में यहाँ कैप्टन हॉकिंस पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। लेकिन बाद में देखते हैं कि 1615 में, 1615 में अजमेर के अंदर सर टॉमस रो नामक एक, जो कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनका प्रतिनिधि बनकर के नहीं, जहांगीर से मिलने के लिए आया, और जब उससे मुलाकात हुई सर टॉमस रो की अजमेर के अंदर, तो जहांगीर के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि जिस तरीके से अन्य व्यापारियों को जो सुविधाएं प्राप्त की गई है, दी गई है, उसी तरीके की सुविधाएं भी ब्रिटिशर्स को दे दी जाएंगी, ऐसा आश्वासन जहांगीर के द्वारा दिया गया। कहते हैं कि इस आश्वासन के बाद में हम यहां बात करें कि पहली जो फैक्ट्री है, पहला जो कारखाना है, वो सूरत के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो स्थापित किया गया, वो सूरत के अंदर स्थापित किया गया था। यह फैक्ट्री से अभिप्राय यहां कारखाने से है। कारखाना, यहां कोई वस्तुओं को उत्पादन नहीं होता था, बल्कि ये वो व्यापार के केंद्र थे जहां यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो वस्तुएं निर्मित होकर के, तैयार होकर के नहीं, हिंदुस्तान आती थी, और यहीं से वो भारत के बाजारों में बिकने के लिए जाती थी, इसलिए इनको यहां फैक्ट्री कहा गया या कारखाना कहा गया। सर्वप्रथम इन्होंने, जैसा कि उल्लेखित है, कि सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के उपरांत इन्होंने 1631 के अंदर मछलीपट्टनम में, और उसके बाद में 1652 के अंदर हम देखते हैं कि यहां बंगाल के अंदर इन्होंने जो व्यापार के लिए एक तरीके से स्वीकृति प्रदान की, यहां का जो तत्कालीन जो सूबेदार था शाह सूजा के पास में इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी एक याचिक, एक तरीके से हम कहें कि एक प्रार्थना की, और उस प्रार्थना को एक तरीके से मान लिया गया, तो बंगाल में इन्हें व्यापार करने की जो स्वीकृति की जो शुरुआत है वो 1652 से एक तरीके से मानी जाती है। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेज जो कि यहां आए डचों के बाद में, और उन्होंने किस तरीके से भारत में अपने व्यापारिक जो केंद्र थे उनको स्थापित करने का यहां प्रयास किया। आगे कल हम इसको पुनः एक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।